दिया हुआ है ऊपर, जिस कपड़े का आपने बैग बनाना है, बीच में फॉर्म शीट, नीचे लाइनिंग वाला कपड़ा। तो जिस भी कपड़े का आप बनाना चाहते हैं, सबसे पहले इस तरीके से क्विल्ट करके उसे रेडी कर लीजिए। अगर आपके पास राइस बैग है तो आप फॉर्म की जगह राइस बैग या प्लास्टिक आटा बैग भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने पीस लिया, इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। ये है 14 इंच और इसकी रेक्टेंगल पीस की लंबाई है 30 इंच, 30 इंच। तो इस तरीके से लेना है। अब हमें करना क्या है, पहले हम इसमें ज़िप लगा लेते हैं। तो यहाँ से हमें लेना है, एक ज़िप हम इस तरफ लगाएंगे और एक इस तरफ लगाएंगे। तो यहाँ से आपको लेना है, 4 इंचेस डाउन जाना है, 4 इंचेस, इसे कट कर लीजिए। ये मैंने कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, स्ट्रिप्स कटिंग की है। इसकी विड्थ मैंने ली है अप्रॉक्सीमेट 2 इंच से थोड़ी सी कम है, 2 इंच से 2 लाइन कम है, 1/3/4 इंच। और इसकी लंबाई है 14 इंच, 14 इंच जितना हमारा ये था, 14 इंच इसके बराबर इसकी लंबाई है। तो पहले हम इसे पाइपिंग से फिनिश करेंगे, उसके बाद हम इसके बीच में यहाँ पे जिप को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से। तो पहले हम इसे पाइपिंग से फिनिश कर देते हैं। तो इस तरीके से पाइपिंग ली, ये कपड़ा रखा, पाइपिंग को नीचे की तरफ रखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए, इसे रखिए, इसे इसके ऊपर रखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो पाइपिंग सिलाई लगा ली, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब इसे पाइपिंग को दूसरी तरफ को फोल्ड कीजिए और यहाँ से फोल्ड करके देखिए, हमारी पाइपिंग की तरह ये पूरा प्रॉपर फिनिश हो जाएगा। यहाँ से लेके एंड तक सिलाई लगा लीजिए और सेम उसी तरीके से इसे भी यहाँ से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली। तो जो मैंने कट किया था, सिंपली उसे पाइपिंग से फिनिश कर ली। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से ज़िप लेनी है इसके साइज़ की। ये मैंने ज़िप रखी इसके साइज़ की, इसे इसके ऊपर रखना है इस तरीके से। एक सिलाई यहाँ लगा लीजिए और इसे यहाँ से इसके ऊपर रखिए इस तरीके से। ज़िप को बीच में रखना है और यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई से इसे ज़िप को इसके साथ अटैच करिए। ये मैंने ज़िप इसमें इंसर्ट कर ली, तो मेरी ज़िप इस तरीके से इंसर्ट होगी। जैसे 4 इंच पे यहाँ इंसर्ट किया है, सेम उसी तरीके से यहाँ से भी 4 इंच लेके आपको, यहाँ से भी 4 इंच पे लेके कट लगा के एक ज़िप आपको जैसे ये इंसर्ट किए, वैसे ही एक ज़िप यहाँ पे भी इंसर्ट कर लीजिए। फिर हम इसे आगे, मैंने ज़िप ये लगाई थी वैसे ही इस तरफ भी लगा दी, तो दोनों तरफ मेरी ज़िप लग गई। अब हमें क्या करना है, हम पहले यहाँ ऊपर से इसे शेप दे देते हैं। तो यहाँ से इसे फोल्ड करना है। अभी हमारी सिर्फ ज़िप लगी है, पॉकेट्स नहीं बनी है इसकी। तो ये मैंने इस तरीके से किया। अब हम पैसे, हमें लेना है इसका 2.5 इंच और लंबाई में भी लेना है 2.5 इंच और इसे गोलाई की शेप दे दीजिए इस तरीके से, 2.5 इंच और गोलाई की शेप दे दी। अब इसे कट कर लीजिए। ये मैंने इस तरीके से इसे शेप दे दी, जैसे शेप ये दी है ऐसे ही इस तरफ भी। दीदी इसे भी कट कर लीजिए, शेप कटिंग होगी। अब क्या करना है, सेम इस साइज़ की एक पीस मैंने लाइनिंग ली है इसके बराबर की। तो नीचे से आपको लाइनिंग रखनी है, उसके ऊपर ये इस तरीके से उल्टी तरफ से रखना है, यहाँ पे ऐसे लाइनिंग के ऊपर, और यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर वाली तरफ, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई से इसे फिनिश कर लीजिए। इस तरफ से भी सिलाई लगा लीजिए और सेम इस तरफ भी सिलाई लगा लीजिए, सिर्फ के यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दोनों तरफ सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरफ भी सिलाई लगा ली और इस तरफ भी सिलाई लगा ली, नीचे लाइनिंग और ऊपर हमने ये जो बनाया था। अब इसकी शेप में इसे कट कर लीजिए। यहाँ से भी, इधर से भी। अब इसे टर्न कर लीजिए, सीधा कर लीजिए।
तो ये हमारा टॉप से इस तरीके से फिनिश हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे एक बैठने वाली सिलाई लगा लीजिए इस तरफ भी, और यहाँ से भी इसे सीधा करके प्रॉपरली कॉर्नर्स निकाल के इस तरफ भी एक बैठने वाली सिलाई इधर लगा लीजिए और एक बैठने वाली सिलाई इधर। कि मैंने बैठने वाली सिलाई लगा ली इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब आपको क्या करना है, ये हमारा नीचे अभी ओपन है तो हम पहले इसकी पॉकेट्स टाइप बना लेते हैं। तो यहाँ से लेके हम इस पर सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी एक पॉकेट यहाँ बन जाए एक दूसरी तरफ। इसके लिए हम यहाँ से लेंगे 12 इंच, 12 इंच पे मैंने निशान लगाया लंबाई में। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इस पर सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमारी एक पॉकेट यहाँ बन जाएगी। सेम उसी तरीके से यहाँ से भी हमें लेना है 12 इंच पे सेम, तो एक पॉकेट हमारी यहाँ बन जाएगी 12 इंच यहाँ से लेके यहाँ। ये देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा दी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एक पॉकेट हमारी यहाँ पे बन गई, देखिए काफ़ी बड़े साइज़ की, और एक पॉकेट हमारी इस तरफ यहाँ पे बन गई बड़े साइज़ की, और साथ ही साथ हमारी पीछे इसके लाइनिंग भी अटैच हो गई। तो चलिए अब हम इसे आगे रेडी हो गया था। अब हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से स्ट्रिप चाहिए। इसकी विड्थ मैंने लिया है 4 इंच की ये स्ट्रिप है, और ऐसे इसकी लंबाई इसके बराबर है जो हमने ये बनाना है यहाँ साइड में, इसके बराबर है। अब इसे बनाना कैसे है, सबसे पहले इसे साइडों से यहाँ से फोल्ड कीजिए, सिलाई लगा लीजिए इस तरफ से भी और इस तरफ से। देखिए मैंने सिलाई लगा ली इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब आपको क्या करना है, ये पट्टी ली, इसे ऐसे रखा, इसके ऊपर हमने ये जो बनाया था ये रखना है। दोनों तरफ से यहाँ से हाफ हाफ इंच आपका छूट जाएगा, क्योंकि हमने इसके बराबर लिया था तो हमने सिल लिया है, तो ये वाली पट्टी हमारी थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो हाफ इंच यहाँ से इस तरीके से एक्स्ट्रा रहेगा आपका, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब आपको क्या करना है, ये पट्टी नीचे की तरफ रखनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक और पूरा लंबाई में इसे पे, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इस पे पूरे पे सिलाई लगा ली। अब इसे दूसरी तरफ को आपको टर्न करना है इस तरीके से, और इसे फोल्ड करना है, यहाँ पे फोल्ड करके इसके ऊपर रखना है इस तरीके से, और यहाँ से लेके इस कॉर्नर तक सिलाई लगानी है। यहाँ पे भी बीच में जब आप आएंगे तो इस तरीके से हमारा ये फोल्ड हो जाएगा, क्योंकि हमने नीचे सिलाई लगाई है, और इसे इसके ऊपर फोल्ड करते हुए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। तो एक कॉर्नर से लेके इसे भी फोल्ड करते हुए यहाँ तक पूरा दूसरे कॉर्नर तक इस पर सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से यहाँ ऊपर मेरी इस तरीके से ये पट्टी लग गई है इसके ऊपर। तो जैसे पट्टी हमने यहाँ लगाई है वैसे ही एक पट्टी इस तरफ भी लगा लीजिए, सेम इसी तरीके से इतने ही इंच की काट के यहाँ पे भी लगा ली। मैंने इस तरफ लगा दी, एक इस तरफ लगा दी। इसे हम बाद में आगे और फिनिश करेंगे, उससे पहले हम साइडों से इसे फिनिश करते हैं। तो अब इसे ऐसे फोल्ड कीजिए, कभी यहाँ से हम इसे बॉटम की शेप देंगे। तो 2 इंच ऐसे लेना है, 2 इंच इस तरफ, ये स्क्वेयर बन गया, इसे कट कर लीजिए। ये कट कर लिया, सेम यहाँ पे भी शेप दे दीजिए, कर दीजिए। ये मैंने कट कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ कॉर्नर्स में इसके यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए इस तरफ भी, और सेम उसी तरीके से यहाँ से लेके दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली। अब पहले इसका बेस तैयार कर लीजिए। तो यहाँ से इसे ऐसे पकड़ना है, और ये जो हमने कट लगाया था इससे हमारा बेस बन जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए, और सेम दूसरी तरफ भी इसे ऐसे रख के इस पर, तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ इस पर सिलाई लगा ली, यहाँ पे भी सिलाई लगा ली इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब इसे सीधा कर लीजिए, मैंने इसे सीधा कर लिया, तो प्रॉपर बेस बनाया साइडों से और इस तरीके से। अब हैंडल को थोड़ा हम स्टिफ कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत लूज से हैंडल है हमारे, तो स्टिफ करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से जो प्लास्टिक वाला फोल्डर होता है जिसमें हम पेपर्स वगैरह रखते हैं, तो मेरे पास पुराना पड़ा था उसमें से मैंने इस तरीके से प्लास्टिक के स्ट्रिप्स कटिंग कर ली हैं, ताकि ये थोड़ा मेरा हार्ड हो पकड़ने के लिए। तो आपके पास इस तरीके का फोल्डर है, या कोई भी आपके पास प्लास्टिक की इस तरीके से
शीट वगैरह कुछ भी पड़ा है तो आप उससे इस तरीके से उसमें से कट कर सकते हैं। अब सिंपली से आपको क्या करना है, सिंपली से इसके अंदर आपको इंसर्ट कर लेना है, जो हमने यहाँ पे ब्लॉक बना रखा है इसे इसके बीच में इंसर्ट कर लीजिए। आप कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वॉशिंग जब इसे वॉश करेंगे, वॉश करते हुए आपको कार्डबोर्ड को बाहर निकालना पड़ेगा। सिंपल मैंने देखिए इसके बीच में इसे इंसर्ट कर लिया, तो ये मेरा हैंडल थोड़ा सा हार्ड बन गया है, बिल्कुल हार्ड है हैंडल, तो ये मेरा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो इसे भी इंसर्ट, ये मैंने इसके बीच में प्लास्टिक शीट इंसर्ट कर ली, एक यहाँ पे, तो इस तरीके से ये मेरा बैग बिल्कुल रेडी हो गया। फ्रंट साइड, बैक साइड प्रॉपर इसका काफ़ी चौड़ा बॉटम बना है, यहाँ पे एक बड़ी पॉकेट बनी है इसके, काफ़ी बड़े साइज़ की यहाँ पे एक बड़ी पॉकेट बनी है। तो इस तरीके से ये मेरा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया। फ्रंट साइड, बैक साइड विथ स्ट्रैप्स एंड हैंडल्स, तो बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी।